अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टॉप यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनक्रेडिबल डिस्कवरीज फाउंड अंडरग्राउंड दैट चेंज हिस्ट्री। दोस्तों, इससे पहले हम अपनी वीडियो का बगादा आगाज करें, सबसे पहले आप जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो का बगादा आगाज करते हैं। नंबर वन, किंग टट्स डैगर। दोस्तों, बादशाह जॉर्ज और हॉवर्ड कार्टर ने 1922 में तुतनखामन के दरबार की डिस्कवरी करके आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में एक बड़ा मौका कर दिखाया। इजिप्टोमानिया में ये बहुत सी दूसरी चीजों के नीचे दबा मिला। इस बादशाह को वैसे ही पुराने जमाने की इजिप्ट कहानियों में बहुत इस्तेमाल किया जाता था, और आर्कियोलॉजिस्ट बड़े सालों से इस दरबार की तलाश में थे। दोस्तों, इसके मकबरे में कोई 5400 एटम्स मौजूद हैं और हजारों महंगी एंटीक चीजें, जिसको अलग अलग तौर पर जांचने परखने में कई दहाइयां लग गईं। इनमें से ये एक डैगर चाकूनुमा चीज थी, जो कि बादशाह से बहुत ज्यादा नजदीक थी, क्योंकि जब बादशाह की मम्मी की जांच पड़ताल हुई तो ये इसके साथ मौजूद था। दोस्तों, रिसर्चर्स के मुताबिक आज 3300 साल पहले इजिप्ट में लोहे का काम इस तरह से होना बहुत ही हैरानकुन बात है, और इस डैगर के ब्लेड को जंग भी नहीं लगा। 2016 में जब इसे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में डाला गया तो समंदर में मौजूद मेटियोरिटीज में निकल और कोबाल्ट होती हैं। दोस्तों, इस डैगर और दूसरी इजिप्टियन आयरन आर्टवर्क में वही मटेरियल मौजूद है। ये कितनी अजीब बात है ना दोस्तों। नंबर टू, द पिट डाउन मैन। दोस्तों, ये डिस्कवरी कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल है, क्योंकि तमाम रीजन जो पेश की गई वो गलत साबित हो गई। 1912 में चार्ल्स डॉसन ने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में लिखने की हिम्मत की। ससेक्स के पिट डाउन विलॉग में इसे इंसानी स्कल की तरह का एक फ्रेगमेंट मिला। डॉसन ने ऑर्थर स्मिथ वुडवर्ड से कॉन्टेक्ट किया, जो कि नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में जियोलॉजी का फॉर्मर कीपर था, और इस जोड़े ने वहां खुदाई का काम शुरू किया। दोस्तों, उन्हें जबड़ों की हड्डी और कुछ और हड्डियां मिली, जो कि अनदेखे इंसानों के होने का सबूत दे रही थी, और फिर कुछ ऐसे ही आसार अफ्रीका में पाए गए। वहां पर जैक पिट डाउन मैन ने भी ऐसे ही एविडेंस पेश किए, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट रिसर्च टीम को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, 1949 में न्यू टेक्नोलॉजी के जेरे असर उन रिमेन्स को दोबारा एग्जामाइन किया गया, और पता चला कि ये रिमेन्स सिर्फ 600 साल पुराने हैं। नंबर थ्री, द विक्टोरिया केव। दोस्तों, विक्टोरिया केव को अंडरग्राउंड केव भी कहा जाता है, जिसने हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। 1837 में स्प्रिंग के मौसम में मिचेल हॉर्नर वादियों में चलता हुआ अपने कुत्ते के पीछे पीछे एक छोटी सी राहदारी में जा निकला, जो कि एक ऐसी गार में खुली जहां रोमियों की चीजें पड़ी थी। कुछ दिनों के बाद वो कुछ मजीद लोगों के साथ वहां दोबारा आया। वहां उसने एक बड़ा सा चैम्बर पाया। इसने वहां खुदाई शुरू की। उसने वहां बहुत से एविडेंस पाए, और उसने फिर एक एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट किया। इसके बाद वहां काम होता रहा, और उन्हें वहां बहुत ही पुराने एविडेंस मिले, और इसके बाद आने वाले अगले 3 सालों में वहां एक्जोटिक एनिमल जैसा कि हिप्पोस, हाइनोज और एलिफेंट के आसार मिले, जो कि इस गार में 30,000 साल पहले रहते थे, जब बाहर हवा और माहौल बहुत ज्यादा गर्म था। तो 1870 में चार्ल्स डार्विन ने इस विक्टोरिया केव को विजिट किया, ताकि वो हिस्टोरी ऑफ एवोल्यूशन के मुतालिक मालूमात हासिल कर सके। नंबर फोर, डूम्स डे फॉसिल्स। दोस्तों, ये तो सोचना ही मुश्किल है कि आज 66 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ होगा। जब एक जैंट एस्टेरॉयड जमीन से टकराया होगा तो तब क्या हुआ होगा। 2012 में नॉर्दर्न डकोटा में 12 साइंस दानों ने एक ऐसी चीज दरियाफ्त कर ली जो सबसे अलग थी, जो कि डायनासोर के नापैद होने की वजह बना। दोस्तों, जब ये मेटेरॉइड समंदर की तह में जाकर टकराया तो ये अमल इस कदर जोरनाक था कि पानी में मौजूद जानवर और दूसरी समंदरी मखलूक उड़कर खुश्की पर आ गई। इस मेटेरॉइड से जमीन पर बहुत से जलजले और सुनामीज आती होंगी, और इस मोल्टन लावा की वजह से बाहर का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था, और इस माहौल में इस समंदरी मखलूक का जिंदा रहना नहायत मुश्किल था, और बाहरी पानी बुखार बनकर उड़ गया और मछलियों के गिल्स बंद हो गए।
नंबर 5 गोबेकली टीपी। दोस्तों 1994 में साउथ ईस्टर्न तुर्की के पुराने शहर उर्फा से 6 मील की दूरी पर आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसा पहलू हमारे सामने रख दिया जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में व्यूज मुकम्मल तौर पर बदल गए। इस साइट का नाम है गोबेकली टीपी। वहाँ उन्हें बहुत से जुड़े पत्थर मिले जो कि 11,000 साल पुराने थे। वहाँ पाए जाने वाला सबसे बड़ा पिलर 16 फीट और 5 मीटर ऊंचा था और इसका वजन 10 टन था। दोस्तों इससे ये बात सोच में आती है कि आखिर कोई तो था जिसने ये ऊंचा और भारी पिलर स्टेबल किया था। प्रॉपर टूल्स के बगैर रिसर्चर्स टीम को 33 BC पुराने इंसानी लिखाई के सबूत मिले हैं और इनके मुताबिक ये दुनिया पर पाए जाने वाला सबसे पुराना टेंपल है। दोस्तों इजिप्ट और इसराइल के लोग गोबेकली टीपी जाते हैं ताकि मैंडेट ऑफ गुड्स को देख सकें, जो कि इसे सियाहों के लिए अहम डेस्टिनेशन बनाता है। दोस्तों कहा जाता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ज़रात से शुरू हुई, लेकिन देखा जाए तो जमाने से 500 साल बाद तक फार्मर्स नहीं थे। दोस्तों आज की हमारी हुई वीडियो खत्म। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने आइडियाज का इजहार करें कि आपको कौन सी चीज़ इनक्रेडिबल लगी और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।